अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीज़ा चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे booking.com एप्लीकेशन के बारे में। तो ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है, आप इसके ज़रिए होटल बुकिंग कर सकते हैं अगर आप ने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो ये booking.com ऐप बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें बहुत से ऑप्शन है, फ्री कैंसिलेशन, प्री पेमेंट, नो प्री पेमेंट, अगर आप अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप बाद में करना चाहते हैं, तो इसमें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हॉस्टल चाहिए आपको, या आपको होटल चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, तो इसमें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है ये। तो इसमें इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशन है, जैसे agoda.com। agoda.com भी बहुत ही फेमस है, अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ से भी आप बुकिंग बना सकते हैं। ना तो ये booking.com तो पहले नंबर पर है, इसके ज़रिए आप फ्री कैंसिलेशन बुकिंग बना के अपनी जो है ना बुकिंग को वीज़े डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करके आप एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम booking.com की वेबसाइट पर जाकर हम एक बुकिंग बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक booking.com की एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो आप किसी भी कंट्री की आप होटल बुकिंग बना सकते हैं, पूरी दुनिया की आप कहीं भी हो, जो हम टोरंटो में हम चेक कर लेते हैं, या हम लंदन में चेक कर लेते हैं, किसी भी कंट्री की आप रूम चाहिए तो आप इस वेबसाइट के ज़रिए आप बुकिंग बना सकते हैं। तो आप पेमेंट भी आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक बुकिंग सर्च की है लंदन में ना, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोवेस्ट प्राइस पे भी चेक कर सकते हैं, ये देखें दोस्तों, ये हमने लोवेस्ट प्राइस पर क्लिक किया तो ये अब हमारे पास आ गया है, एक प्राइस आ गई है होटल की 2000। पहले तो शो कर रहा था बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो इससे भी कम हम चेक कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है होटल की, तो 2 star, 3 star, 4 star। अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारा बजट के मुताबिक, हमारा अगर कम बजट है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये अभी कम बजट में अगर अवेलेबल होगा तो ये आ जाएगा लेगा। उसके बाद आपको फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप फ्री कैंसिलेशन में क्लिक कर दें तो उसी वक्त आपको जो है ना सारे होटल जो होंगे वो फ्री कैंसिलेशन वाले, तो वो सारे शो करेगा। ये देखें दोस्तों, ये आप जितने भी होटल हैं सब फ्री कैंसिलेशन वाले हैं। नो प्री पेमेंट पे अगर आप अभी पेमेंट नहीं करते, बाद में करते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। ये देखें दोस्तों, ये सारे होटल्स जो है ना, ये फ्री कैंसिलेशन नो प्री पेमेंट, इसका मतलब है कि आप अभी पे नहीं करेंगे, आप वहाँ जाकर पे करेंगे, पे एट द प्रॉपर्टी जो है ना, ये ऑप्शन है। तो ये सारे जो है ना होटल्स, तो कि हम वीज़े प्रोसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये वैलिड भी होता है। अगर एम्बेसी अगर कल आपके जो है ना वेरीफाई के लिए आप होटल में फ़ोन करते हैं तो वो बिल्कुल बता सकते हैं कि इस बंदे की जो गेस्ट हैं इनकी बुकिंग हुई हुई है, तो इससे आपका वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है तो आप बाद में उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बुकिंग बनाते हैं एक होटल की, हॉस्टल की आपने ख्याल करना, हॉस्टल की नहीं बनानी आपने। अगर वीज़ा प्रोसेस के लिए करना है या वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आपने होटल की बुकिंग बनानी है फ्री कैंसिलेशन की। उसका 15-20 दिन का टाइम होता है, 15-20 दिन के अंदर अंदर वैसे वीज़ा आ जाता है। तो ये आप देखें, आप ये होटल है और इसकी हम पिक्चर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त होटल है, तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आप इसको मैप में भी चेक कर सकते हैं कि ये किस जगह पर है, तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर एक कितने कितने कहाँ से ये किलोमीटर सिटी सेंटर से, और ये एग्जीबिशन सेंटर से कहाँ कितना दूर है, ये सारे इसमें मेंशन होता है। तो बुकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि मेट्रो स्टेशन के साथ ही कोई बुकिंग बनानी है ताकि आपको मेट्रो जाने तक आसानी हो जाए।
अभी आप देखेंगे रूम की आप पिक्चर्स आप देखेंगे, अगर आप जो हम एक होटल बुक करते हैं फ्री कैंसलेशन वाली, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें डेट भी मेंशन है फ्री कैंसलेशन की 23 जून तक। मिसाल आप 5 जून है तो इन्होंने देखें आप 18 दिनों का टाइम दिया है। तो अभी हम देखें ये रूम की पिक्चरें हैं सारी, तो ये नो प्री पेमेंट है ना बुकिंग है। ये हम वीज़े के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये देखो दोस्तों अभी हम एक रिज़र्व करते हैं तो इसमें सारे जो है ना हमें एक अपनी डिटेल्स जो है ना वो देनी पड़ेगी। ये देखें दोस्तों अभी वो अपनी डिटेल्स जो है ना आपसे पूछ रहा है, तो हमें यहाँ अपनी एक डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपने अगर जब आप बुकिंग बनाएं तो आपने यहाँ अपने डिटेल्स देनी है। अगर आप किसी और के लिए बुकिंग बना रहे हैं तो फिर आपको किसी और की जो है ना डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपना ईमेल एड्रेस। इसमें ऑप्शन है आप देख सकते हैं आई एम द मेन गेस्ट, और दूसरा ऑप्शन है बुकिंग टू द समवन एल्स। उसके बाद आपसे पूछेगा फुल गेस्ट नेम। अगर आप 5 बंदे जा रहे हैं तो सिर्फ आपने अपने ही एक बंदे की जो है ना मेन गेस्ट है जिस तरह आपने उसके ही नेम जो है ना इसमें इनपुट करना है, बाकी बंदों का 4 बंदों का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है कि आप लेट हो जाएंगे, ये आपने अपना काउंटर ओपन रखना है, ये सारा ऑप्शन इसमें मौजूद है। अराइवल टाइम जो है ना आपने नहीं बताना उनको, आपने जस्ट यही इधर मेंशन करना है आई डोंट नो, ये आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर स्पेशल रिक्वेस्ट के नीचे अराइवल टाइम। ये देखें लेट द प्रॉपर्टी नाउ योर प्लान्ड अराइवल टाइम, आपने आई डोंट नो यही आपने इसमें मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट फाइनल डिटेल्स पर जाएंगे तो आपसे बस गारंटीड के लिए आपसे वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स पूछेगा, आपने वो इनपुट करना है। उसके बाद जो है ना आपकी कंफर्मेशन जो है वो मेल के ज़रिए आ जाएगी, उसका प्रिंट निकाल के आप अपने जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच कर देना है। तो बहुत ही ईजी है ये, आप कोई सा भी होटल ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लो बजट वाला हो। अगर आप वीज़े के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो आप कोई भी होटल जो है ना बुक कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आप फ्री कैंसिलेशन और नो प्री पेमेंट जो है ना वो होटल आपने बुक करने हैं, वरना आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। और जिस दिन आप अप्लाई करने जा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जा रहे हो वीज़ा एम्बेसी, उस दिन आपने होटल बुकिंग अपनी बनानी है। उसका 20 दिन का टाइम होता है कि 20 दिन में वैसे ही भी वीज़ा आ जाता है। आप हॉस्टल भी बुकिंग कर सकते हैं बाद में जब आपका वीज़ा लग जाए, आप फिर हॉस्टल बुकिंग कर लें तो हॉस्टल बहुत ही चीप है, सस्ता है। आपको कहीं भी लंदन में किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट में चाहिए हो तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जिस एरिया में आपको होटल चाहिए तो वो भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ बहुत से एरिया हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको होटल चाहिए होगा तो आप वो क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे जो है ना जो होटल अवेलेबल होंगे या हॉस्टल अवेलेबल होंगे तो वो उसी वक्त शो कर देगा। दोस्तों बहुत ही ये फेमस ऐप है, तो अगर आप एयरपोर्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और आप अपने मोबाइल पर भी बुकिंग कर सकते हैं, उस वक्त उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। आप टैक्सी करवा कर आप सीधा उधर होटल चाहें अपने मोबाइल पर अपनी बुकिंग कंफर्मेशन दिखाएं और अपने जो है पेमेंट उधर ही जमा करा दें। वीज़ा और डेबिट कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट हो सकती है उसी वक्त, लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप पे एट द प्रॉपर्टी जो है ना ऑप्शन वही यूज़ करें, और फ्री कैंसिलेशन वाली आपने यूज़ करनी है। अगर आप अपने
कैंसिल नहीं करते, फॉर सपोज आपने फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग नहीं बनाई और आपने कैंसिल नहीं की, तो आपको चार्जेस जो है ना पे करने पड़ेंगे और वो आपके अकाउंट से चार्जेस काट लेंगे वीज़ा और डेबिट कार्ड के ज़रिए। तो कोशिश करना है आपने, अगर आप इससे बचना चाहते हैं नुकसान से, तो आपने अगर आप मोबलिंक का जो वर्चुअल कार्ड होता है, मोबलिंक का जो वीज़ा कार्ड, आप वो यूज़ कर लें अगर आप बुकिंग बना रहे हैं, नहीं तो फिर आप वीज़ा और डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें अमाउंट ना हो। दोस्तों इसमें बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन नहीं है, ना ही टैक्सी रेंट का, या अगर गाड़ी चाहिए तो उसका ऑप्शन मौजूद है, वो सिर्फ उसमें है स्काई स्कैनर जो ऐप है उसमें है। अगोडा में भी है टैक्सी का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन booking.com मेरे ख्याल से होटल्स हॉस्टल के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इसमें आप देखें कि हज़ारों की लंदन में आपने सिर्फ इसका आपने सर्च किया है तो इसमें देखें कि 900 के करीब आपको उसमें वो शो कर किया है कि इसमें होटल मौजूद हैं, हॉस्टल बेशुमार इसमें हॉस्टल हैं कम लो प्राइस में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।